जी अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाईजान कैसे हैं आप लोग? तो आज इसका मौसम फैसलाबाद का फिर से दो दिन बाद बहुत अच्छा हो गया है मौसम। इस वक्त हम लोग अपना व्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। कितनी देर बाद स्टार्ट कर रहे हैं? दोपहर को जाके हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मगर क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई जान रात को जो चैलेंज किया फिर तबीयत बड़ी कवाजार हो गई यार। पेट में गुड़ 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 मुड़ गुड़ मुड़ हुई जा रही है, पेट में मुड़ गुड़ उठ रहे हैं, कभी इधर को कभी उधर को। वॉशरूम के बिल्कुल साथ कुर्सी रख के मैं बैठा था तब से। चल झूठा, ये हालात है अपने। तो उसके अलावा इस वक्त ये देखे राणा साहब बैठे हुए हैं, मैं इधर हूँ। ये हम एक दोस्त की दुकान पे आए थे, यहाँ पे पीके ने अंदर बुलाया हमें। पीके ने कहा आज आप लोगों को बोतल पिलाता हूँ। हमने कहा लो भाई, पीके ने बोतल पिलानी तो हम तो उड़ते ही आए। तो हम लोग यहाँ पे आए थे पीके पास बोतल पीने। तो बोतल शोतल पीते हैं, बल्कि फिर सबने पी लिया, मैंने बस पीनी है, मैं भी बोतल पी लूँ, फिर आप लोगों से बाकी मिलेंगे। उसके अलावा मौसम अच्छा है आज का व्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट। और जिस जिसने अभी तक सात व्लॉग्स को ज्वाइन नहीं किया वो अभी जाके सात व्लॉग्स को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं थोड़ी देर तक जी। तो फिर हम उस दुकान से आ गए हैं अपने दोस्त मियां रियान की दुकान पे। अभी दुकान पे आए थे, यहाँ पे हमें ना एक बॉल मिली, क्रिकेट बॉल। तो जैसे ही हमें मिली हम खेल रहे थे उससे, बच्चे आ गए कहते हैं हमारी बॉल है, हमें दे दो, वापस दे दो। तो मैंने पहले नहीं दी, लेकिन फिर बच्चों ने शक्ल ऐसी बना ली, मैंने दे दी ना। रैम दिल हूँ मैं, तरस आ गया मुझे बच्चों पर। तो उसके अलावा मैं क्या कहने लगा था आपसे, हाँ मोइज़ अभी मेरे पास आया था। मोइज़ ने आके मुझे एक बात बताई, अब अगर वो सच है तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, अगर ऐवी बकवास किए तो फिर ऐवी चवली मारी है किसी ने। मोइज़ कहता है कि नॉन पीटीए फोन्स पे सिम चलने लग गई है। मतलब कि नॉन पीटीए फोन अब चलेंगे, सिम वर्किंग करेगी उन पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहता है मेरे कुछ दोस्तों के मैसेज में हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं चलानी, मेरे मोबाइल में अभी 2 महीने का टाइम है जिसमें मैं सिम चला सकता हूँ। अगर मैंने चलाई तो मेरे फ़ोन के पैसे 20-30 हज़ार कम हो जाएंगे। तो इस वजह से आप बताएं यार, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताओ यार, क्या वाकई नॉन पीटीए फोन पे सिम वर्किंग करने लग गई है, बताओ मुझे। और उसके अलावा एक और बात, हाँ मैंने अपने वैसे नॉन से भी एक पता किया कि ये काम हो रहा है कि नहीं, ये सच है कि नहीं, उनका मैं पता करके बताता हूँ, हवा है मार्केट में मैंने सुना है। तो फिर जैसे ही ये पता लगता है आपको भी बताते हैं हम। लेकिन ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है, अल्लाह करे सच हो मेरे आईफोन में सिम चलेगी मुझे। अभी मौसम जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्मैक्सी हुआ पड़ा है मौसम, ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा है। हाँ तो अब हम लोग थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं, मैं कहा मनुष कह रहे हैं तरह थोड़ा आईफोन से तस्वीरें खींचने, थोड़ी सी तो प्यारी आ जाती है हमारी, इतने भी पैटे नहीं है हम। तो फिर अभी हम तस्वीरें खींचते हैं, अल्लाह। A few moments later. जी तो इस वक्त वापस आ गए थे अपनी गली में, यहाँ पे हो रहा था क्रिकेट का मैच, बच्चे बच्चे खेल रहे थे, मैं कहा हम भी खेल लेंगे। हमारी टीम, मेरी टीम चेक करें, ये है भाई 7-11, ये उनके साथ मैच है। और तू तो हट जा, तू अपनी टीम ना, लग जाएगा पता, विशाल छक्का मारेगी, ठीक है। आज इनको बता देना, आज बस खत्म, मिलते हैं। कंट्रोल कंट्रोल, मेरी तरफ से पहला ओवर रजान का, रजान सारे आउट कर देने, ठीक है, छड़ना नहीं कोई। हाँ चल चलो जी, अजान साहब फोसे निकले हैं, बाद में अब हम बॉलिंग कराएंगे। लो जी पहला आउट कर दिया हमने, ये तो बड़े छोटे शेर भाई आउट हो गए। चलो अगला बैट्समैन हंस है, इसको भी आउट कर देना अजान ने, ठीक है, मौलवी तैयार है। चलो जी, और ये 3 बॉलों पे 2 आउट हो गए, इनका दूसरा बैट्समैन भी अजान ने आउट कर दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओंदासे बोलदा नहीं, बंद कराता ही। पहले ओवर के अख्ताम पे 6 स्कोर है, इस वक्त सुभान साहब बैटिंग कर रहे हैं, सुभान को आउट कर देना हमने अपनी बॉलिंग। ओ जी, तीनों विकेट अजान ने ली हैं, अजान साहब ने तीनों बंदे उनके आउट कर दिए, हमारा मौलवी बच्चा है, शाबाश मेरा पुत्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी हमारी तरफ से पहला बैट्समैन, और इधर देखो सल्लू है, चल खेल पहली बॉल, ट्राई बॉल करा रहा है शुएब। मैच हो गया स्टार्ट, 11 का टारगेट है हमें, तो देखते हैं हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन हमने कर लेना, आपको पता आपका भाई प्लेयर है, बच्चों को छक्के मार लेता है, मिलते हैं। चल झूठा। तो जी हमारा पहला आउट हो गया, हम ही आउट हो गया। रुको जरा, सबर
बच्चा आउट करके खुश हो रहा है, कोई नहीं साडी वारी आन दो जरा फिर इन्होंने दस दे। तो जी अब अपनी बैटिंग आ गई, दूसरे बैट्समैन है, मैं इनको जरा शोखे हो रहे हैं, इनको जरा बताते हैं हम अभी। ठीक है गेम खत्म कर दी, कर दो जी। चलो ठीक है ओके। तो अब साहब की बारी की देखें, ये बॉलिंग आएगी, सुभान साहब बॉलिंग करा रहे हैं, ये रन निकलने लगा था। अब देखते हैं हम जीतते हैं कि एक दूसरी टीम जीतती है, अब देखते हैं किसका ज्यादा स्कोर होता है या किसी उर्मा का स्कोर होता है। हमारा ब्लॉकर बना रहा है, हम अगले क्रिकेट मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। मिलते हैं बाद में। तो ये देखिए साहब भाई केले पे है क्योंकि सारे आउट हो गए, मैं केला रह गया। जी तो फिर इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, मैं और पीके मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं मेडिसिन लेने, वो इस वजह से यार कल से जो तबीयत खराब हुई है वो ठीक ही नहीं हो रही, बदती जा रही है, कम बदता जा रहा है। मेडिसिन तो कुछ ना कुछ लेनी पड़नी है, मेडिसिन लेने जा रहे हैं, करके डॉक्टर भी कॉल की हमने, उन्होंने कहा है कि भाई इंटॉक्स ले आओ, इंटॉक्स लेने जा रहे हैं, उसे उम्मीद है फर्क पड़ जाएगा, सुबह प्रेजेंटेशन भी है, तो ये ना हो ना प्रेजेंटेशन दे दे, तो मैं कहूँ सर मैं गो टू वॉशरूम, काम खराब हो जाना है। तो इस तरह से हम जा रहे हैं, हम दवाई लेके आते हैं। आ गए हैं हम लोग मेडिकल स्टोर, यहाँ से भी इंटॉक्स लेंगे। जी तो इस वक्त हम मेडिकल स्टोर से ले आए हैं मेडिसिन, लेकिन उसने कहा था कुछ खा पी के मेडिसिन खानी है, ये हम लाए हैं मेडिसिन, बाकी खाना खुना खा रहे हैं इस वक्त। उसने ना खुराक ही बना ली है, कोई तीन गोलियाँ उसने दे दी हैं मुझे, उसने कहा कि भाई जान ये दवाई आप खाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह आराम देगा, जल्द से जल्द अल्लाह आराम देगा। फिर अभी हम ये दवाइयाँ खाते हैं, खाना खाते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पर यार कोई चैलेंज वो दिया करो जो मेरी सेहत पर इफेक्ट ना करें, कोई ऐसा चैलेंज दिया करो यार, इस तरह मुझ पर जुलम तो ना करो भाई, तुम लोगों का ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम केयरफुल। हम लोग जा रहे थे अपने घर रिटन गार्डन जा रहे थे, वजह बाद में बताऊंगा, तो रस्ते में शुरू हो गई बहुत तेज बारिश, मैं वो इधर जे गया मेरी कजन जा रहे थे, तो अब रस्ते में यहाँ पे ना इनकी फुप्पो का घर है, वहाँ पे हम लोग स्टे ले रहे हैं खबारी। जी तो फिर इस वक्त हमें कोई आधा घंटा तो होने वाला है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी, बारिश आप लोग देखो यहाँ पे फुल तेज बारिश हो रही है, पड़ने लग गए, बारिश तो अभी तक नहीं रुक रही, जैसी बारिश रुकेगी फिर हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें चाय मिली यहाँ पे, चाय पी हमने, हमने चाय पी लेकिन चाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, जिसने भी पिलाई उसका शुक्रिया। उसके अलावा ये चेक करें, चाय पिलाने के बदले मुझसे काम कराया था, अच्छे से फिर अच्छे से वो पानी शाबाश, डेढ़ सौ रुपया हो गया, ठीक है तुम्हें दूंगा, ओके फिर मिलते हैं, जरा बारिश रुक जाए फिर वापस घर भी जाना। Two hours later. तो जी इस वक्त हम लोग फैसलाबाद का कौमी मसला फेस कर रहे हैं, कौमी मसला फैसलाबाद का क्या, पूरे पाकिस्तान का कौमी मसला वो क्या है, वो यही है कि भाईजान लाइट चली गई है, थोड़ी सी बारिश हो जाए पाकिस्तान में लाइट चली जाती है, ये देखें मोहित साहब इस पोस्ट कर रहे हैं, बारिश देखें बारिश हो ही जा रही, वही जा रही कंटिन्यूसली हो रही है, रुक ही नहीं रही, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बारिश सारी आगे मत दी जाती, बारिश का थोड़ा साउंड बारिश का साउंड मैं कैसे दिखाऊं, खिड़की के पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश आ रही जल्दी रुकती लग नहीं रही, पता नहीं कब बारिश रुकेगी, लेकिन जैसे ही रुकेगी हम लोग ने निकलना, बेशक 12 बजे रुके बेशक 1 बजे रुके, हमने जाना है ठीक है। जी तो फिर भाई साहब फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं बाल गीले हैं, शर्ट भी गीली है, सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे इस वक्त, तो उसको तो बात ही ना करो, सर्दी का सुन ही सर्दी लगने लग गई है, ये हालात है। तो भाई जान बारिश रुक ही नहीं रही थी, ढाई घंटे जिंदगी के मैं वहाँ पे अपने बैठ के आया हूँ, इतना मैं कभी नहीं बैठा जितना मैं वहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन बैठे वहाँ पे खैर इंतज़ार करते रहे, स्लो होगी बारिश, ओले पड़ गए, आंधियाँ आ गई, तूफान आ गए, बारिश नहीं रुकी, फैसला ये किया निकलो,
बारिश में आए हम अभी, फिर बारिश में हम लोग आए, मैं मोइस और मोइस की बहन, हम तीनों बारिश में आए भाई जान। सड़कें नहरें बनी हुई थी सड़कें, अंडर पास तो पूछो ही ना, घुटनों से थोड़ा थोड़ा नीचे पानी आए भाई साहब, गजब की बारिश थी भाई, एंड हो गया था उस वक्त तो। रस्ते में आपको मैं मौसम कैसे दिखाता भाई, बारिश हो रही थी, फोन गीला हो जाना था। आप लोग कह रहे हो आईफोन 12 प्रो मैक्स है इसके पास, फिर भी ये डर है, वाटर प्रूफ होना है भाई, लेकिन फिर भी डर लगता है, बाइक स्लिप हो सकती है, खुदा ना खास्ता इतने गंदा मौसम में कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोगों ने मोबाइल नहीं निकाला रस्ते में, आपको मौसम नहीं दिखाया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ बड़ा फैसलाबाद का, बड़ा मज़ा आया, एडवेंचर ही हो गया हमारे साथ। तो उसके अलावा आज के ब्लॉग को हम करते हैं एंड। आपने क्या करना है, आपने करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना है। आप लोगों ने ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है, जिसने अभी तक साथ ब्लॉग ज्वाइन नहीं किया करे, और जिन्होंने किया अपने घर में दूसरे मोबाइल से सब्सक्राइब कराओ, ताकि हमें कोई फायदा हो, मजा आए। अब हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए गेम्स लाने लगे हैं, ठीक है ना, मजे करेंगे उसमें भी जी। तो फिर फाइनली हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, बहुत गीले थे सर, जिसमें मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो फिर इस वक्त सीन ये है कि मुझे फाइनल रिपोर्ट मिल गई है पीटीए के रिलेटेड के, सून पीटीए हो रहे हैं कि नहीं। आप लोगों को मैंने बताया, कहा था कि आप लोगों को बताऊंगा भाई जान, सुनने में ये आया कि पीटीए ने अपना टैक्स खत्म नहीं किया। पीटीए बल अपना इतना लाखों का टैक्स क्यों खत्म करेगा, पाकिस्तान पहली कर्जे में डूबा हुआ भाई, टैक्स नहीं खत्म हो सकता। तो इस वजह से कहा, सुनने में ये आया कि कोई ग्लिच आया हुआ है, जिस वजह से सिमें चल रही हैं, सारे सब पे नहीं चल रही सिमें, ज़्यादातर सिमें जैश की सिम की चल रही हैं। तो ये सीन है, बाकी जिनकी चाह रही है मोजे करो, चलाओ भाई, ऐश करो, पीटीए फ्री हो गया है कुछ देर के लिए, शायद हो गया पता नहीं कब तक, लेकिन इस वक्त है ये बात है दरअसल। लेकिन पीटीए ने टैक्स ख़त्म नहीं किया, ठीक है। तो फिर ये सारा सीन था, आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।